हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। बड़े बुज़ुर्गों के 33 ज़रूरी नियम, महिलाएं अपना कीमती समय निकालकर ज़रूर पढ़ें। नंबर 1, लौंग, तेज पत्ता, अदरक, इनको बराबर मात्रा में लेकर गर्म पानी में उबाल लें और इसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं और खाली पेट पी लें। छाती में जमा हुआ बलगम और लीवर इन्फेक्शन कम होगा। नंबर 2, अगर आपकी नसें कमज़ोर हो तो अलसी के बीज को भूनकर भीगे हुए बादाम और सौंठ को मिलाकर इसका पाउडर बनाकर खाली पेट खाएं, आपके हाथ पैर की नसें मजबूत होंगी। नंबर 3, अगर आप कमर दर्द से परेशान हो तो हल्दी और मेथी दाने को गर्म पानी में बॉईल करके इसमें शहद मिलाकर पी लें, पुराना कमर दर्द भी कम होगा। नंबर 4, नाभि में छुपा है शहद का राज, अगर सेहतमंद बने रहना हो तो रोज़ाना बादाम का तेल नाभि में लगाएं। नंबर 5, अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हो तो नारियल तेल में कपूर मिलाकर घुटने पर मालिश करें। नंबर 6, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ठंडे पसीने आते हों तो फौरन एक अनार खा लें, फ़ायदा होगा और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 7, दस्त की तकलीफ, ख़तरनाक एसिडिटी और पेट में गैस बनती हो तो धनिया, अजवाइन और काला नमक एक एक चम्मच पानी में मिलाकर पी लें। नंबर 8, अनार, गाजर, टमाटर, चुकंदर, इन सबको पीस कर इसका जूस पीने से खून और न्यूट्रिशन की कमी दूर होती है। नंबर 9, चावल के साथ दही, रोटी के साथ देसी घी, दूध के साथ केले और खजूर, ग्रीन टी के साथ लीमू, ये तमाम कॉम्बिनेशन आपके शरीर को ताकतवर बनाते हैं। नंबर 10, दवाएं कभी भी ठंडे पानी से नहीं लेना चाहिए। नंबर 11, खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए और कभी भी 5 बजे के बाद भारी खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 12, रोज़ाना पपीता खाने से शुगर, मोटापा और पेट की सफाई होती है। नंबर 13, कच्चा लहसुन खाने से खून गाढ़ा नहीं होता और शरीर में ताज़ा खून पैदा होता है। नंबर 14, अदरक, लौंग, इलायची वाली चाय पीने से थकावट दूर होती है। नंबर 15, प्यास के रस में लीमू का रस मिलाकर पीने से उल्टी आना बंद हो जाएगी। नंबर 16, सफ़ेद प्याज का रस बालों में लगाने से बाल गिरना कम होंगे और बाल घने होंगे। नंबर 17, मछली का कांटा अगर गले में फंस जाए तो फौरन केला खा लेना चाहिए। नंबर 18, लौंग का उबला हुआ पानी पीने से गला सूखने और बार बार प्यास लगने की दिक्कत कम हो जाती है। नंबर 19, अगर आँख में मच्छर चले जाए तो फौरन उल्टे पांव चलना शुरू कर दे। नंबर 20, सर पर बादाम के तेल की मालिश करने से दिमाग तेज़ होता है। नंबर 21, अगर सांस की दिक्कत हो तो रोज़ाना खजूर का सेवन करें। नंबर 22, काली मिर्च पानी के साथ खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। नंबर 23, पराठे के साथ आम का अचार या लीमू का अचार खाने से भूख बढ़ती है और हाजिमा दुरुस्त होता है। नंबर 24, लीमू का पानी कंघी पर लगाकर बालों में करने से बाल चमकदार और घने हो जाते हैं। नंबर 25, बिला वजह ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। नंबर 26, चेहरे पर नारियल का तेल मलने से चेहरे के दाने कम हो जाते हैं और मच्छर भी नहीं काटते। नंबर 27, हर खाने के बाद मीठा खाने से कोई भी बीमारी नहीं आती। नंबर 28, चेहरे पर चुकंदर का छिलका लगाने से कभी भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 29, दोपहर के टाइम खाना खाने से पहले सलाद और दही ज़रूर खाएं, जिससे सेहत बनी रहती है। नंबर 30, फ्रिज के पानी और एसी का इस्तेमाल कम करें, ये हमारे जिस्म को हानि पहुंचाता है।
नंबर 31, ज्यादा चाय पीने से हाई बीपी, घबराहट, चेहरे पर कील, मुहासे, एसिडिटी और हड्डियां कमजोर होती हैं। नंबर 32, पित्ते में या गुर्दे में पथरी हो तो 10 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए पत्थरचट्टा के पत्ते और कद्दू के गोदे को रस में मिलाकर खाली पेट पी लें। नंबर 33, रोज़ाना मीठी दाने के पानी को उबाल कर पीने से गुर्दे की पथरी कम होती है, शक्कर और बीपी कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो और एक न्यू जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।